अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शुगर मुगल के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक बट। आज ईद का तीसरा दिन, यानी कि वो दिन जब हमें लगता है कि आज ईद खत्म हो जाएगी, और आज भी आज ज्यादा खुशियां मनाने को दिल करता है, इसीलिए आज भी हम आपके साथ हैं। आज अमनपुरा में हमारे साथ एक बहुत प्यारी हस्ती, बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत अच्छी सिंगर भी मौजूद है हमारे साथ, बादशाह सलामत। आज का दिन कैसा गुजरा आपका? आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, बल्कि दिन का आगाज ही आपके साथ ही हुआ था। आज तो सारा दिन आपके साथ गुजारा है, बड़ा मजा आया। सारा दिन दावतें खाई, फल खाया, फ्रूट खाया, जहां जहां से आपको फ्री मिलता है आप मुझे वहां वहां लेके गए। हमने भी ईद के तीसरे दिन आपसे ही खाया, वरना तो कोई पूछता नहीं हमें। वाँ 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 वाँ। जी तो बादशाह सलामत आज हमारे साथ मौजूद है सायरा अरशद। सारा जी के तो हम बहुत बड़े फैन हैं जी। मैं लंदन में था जब पहली दफा इनका वहां पे लाइव गाना सुना, तो उसी दिन से मैं फैन हो गया। उससे महीना एक पहले मिल जाती तो शायद मलका यही अच्छे सलामत। मैंने एक बात महसूस की, आप तल्लुकात बड़ी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। भाई मेरी मेहमान है, मैं पहले उसको ईद मुबारक तो कह लू। ईद मुबारक, क्या बात है जी, खैर मुबारक। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक, और मेरे चाहने वाले जितने भी हैं उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और शुगर मुगल की पूरी टीम के साथ जो है वो मैं चाहती हूँ कि एक बार हम क्लैप करें हमारे बच्चा के लिए, पूरी टीम के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरी टीम, और प्लीज आप अप्रिशिएट किया करें। और ईद की खुशियां जो है, गोश्त भी खाएं, सवैया भी खाएं। वाह माशाल्लाह, बहुत खोता खा लिया लाहौल रह के, इतना खोता खाया हूं तो एक दूजे को आवाज मार के मैं कहा अमजद। तुसी ते खोता खादा है ना, तो बंट साहब की अकल देखो ना, खोता प्रोग्राम च बा लिया। अच्छा सारा जी, तुम प्रोग्राम च जाओ, घरों बाहर जाओ, बड़ा अच्छा, कले नहीं जाते, भाई नू नाल ही रख दे। साथ नहीं बिठा रही थी, देखे मैं कह रही थी कि बदल दे। सारा जी मेरी कद ईद, नाले ईद नाले भैन की फटीक। अपने बच्चे लै गया, मैं की पीने आता जी, नारा में शरबत, हूं शरबत वाला की कह रहा है, सत्तर रुपए सत्तर रुपए सत्तर रुपए सत्तर रुपए। मैं पी भी जाओ, मेरे बच्चे ने भी गिलास ही पी गया, बुढ़ी भी मेरी दो जग पी गए। मैं क्या किन्ने पे है नहीं है, कहता सठ रुपए सठ रुपए सठ रुपए। मैं कहो तू कि बेईमान आदमी, ईद का तीसरा दिन बेईमानी करना। अंदर जी मैं वेच नहीं छड़ना। और मैं क्या तू सत का वेच, मैं हथे पाई पै गया, मैं वो टकरा मारिया वो टकरा मारिया। बाद जी मैं 500 रुपया दे के इतने आवा पाया, प्रोग्राम पुलिस वाले छड़ दे नहीं था ना। भाभी भी चार जग पी गई, बच्चे भी गिलास पी गया, उन्होंने रोजिया च नहीं लब्बा जी हूं लेट कड़न दा। बादशाह सलामत रोजिया के बंदा कहना सबर अल्लाह देता है, उस तो बाद सबर नहीं आता। वैसे करना चाहिए, वैसे नारा का जूस नहीं पीना चाहिए बट साहब, यकीन करो सोन जो जूस पीता है बंदे का खून बढ़ता है, बिल देने लगे डबल घट जाता है। देखो एक पीता है, देखो न्योला बन गया। अरे माशाल्लाह, तुसी शाहरुख नाल मिलन लग पए हो। अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा है। अच्छा आज मतलब आज अमूमन लोग, क्योंकि आखिरी दिन होता है ईद की खुशियों का, तो उसमें लोग आखिरी दिन खुशियां ना हो, खुशियां सारियां। नहीं 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 बादशाह सलामत, आप मेरी बात नहीं समझे कि इस जो फेस्टिवल ईद फेस्टिवल सुबह जाने की तैयार, अब अगले दिन आपने ऑफिस भी जाना है, अपने अपने कामों पर भी जाना है, तो जो छुट्टी का आखिरी दिन होता है वो ये दिन होता है। और आज फिर खवातीन स्पेशल पुलाव बड़ा अच्छा बनता है, और पुलाव के साथ शामी कबाब,
आज बड़े बड़े बनाए होंगे और खाए होंगे। हमने पकाया ना खाए। आपने आज क्या पकाया था, क्या खाया? आप बिलीव करें कि कोई टाइम नहीं मिला पकाने का, बस जाने का टाइम मिला है। वो इनविटेशन थे कुछ चाहने वालों को के थे और कुछ प्यार करने वालों के और कुछ फैमिली मेंबर थे। ईद के तोहफे ताए जो होते हैं बस उसी में दिन गुजरा। सायरा जी माशाल्लाह माशाल्लाह सेहत वेख के लग रहे हैं, पकांदे घट ने ते खांदे अज बहुत। अच्छा नहीं सायरा खाना बहुत अच्छा बना। इतना सुरीला खाना बादशाह सलामत जिस दिन आपने खा लिया तो उस दिन के बाद आपने मलका को तो भूल जाया। बादशाह मेनू ना कहो, पता लगे सहरा साहब के घर तुर गया ने खान लिए। बड़ा कमीना जहा जे कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। बादशाह सलामत ने सेवियां नहीं पकाई हुई इधर। अच्छा जी। हाँ तीन दिन बाद पका था, कहता सस्तियां हो जाएंगी। मैं कह रही कि सेवियां जगह बौकर पका ली। नहीं सहरा जी बड़ा अच्छा आपका वो सॉन्ग है जा वैरिया और वो बड़ा फेवरेट है मेरा। दिल से शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरा बस वो एक समय ले बूस्ट था, वो लाइफ का स्ट्रगल थी, मेहनत थी और अल्लाह पाक ने उसको कामयाब किया और दुनिया में परफॉर्म भी किया। और आज मैं एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ ईद के मौके पर। ईद का आज तीसरा दिन है और शुगल मुगल की पूरी टीम जो है वो भी बैठी हुई है। अच्छा जब ये गाना मेरा रिलीज हुआ तो नॉट फॉर्मेलिटी, और मैं आज ये बात फेस टू फेस हम कर रहे हैं कि जब रिलीज हुआ तो फर्स्ट कॉल जिस बंदे की आई थी पूरे पाकिस्तान से वो फारूक भट्ट साहब थे। और मुझे अप्रिशिएट किया था, मुझे अप्रिशिएट किया बहुत ज्यादा। शुक्रिया कर लिया कि शेयर की, वरना शेयर तो कैंप जेल साहब भी फोन करते मिस कर देने। बड़ा प्राउड फील कर रहा क्योंकि मेरी सिस्टर नु अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। पक्का हो गया है। मैं बादशाह बड़ा अच्छा सिंगर सा, जालमा ने मैनू खट्टा पिया तो होगा ना मेरा गला ही खराब हो गया, नहीं तो मैं तो जो गा बना लोग करा दूंगा। आलम बादशाह भी अपने ठेठे भी खड़े गाने पर खट्टा पिया तो होगा ना मेरा पेड़ ही करेगा। बहुत वड्डा सिंगर सी, बार्डर तक लोग हिंदुआ गाला कड़ता हूं सी। असं इंशाला वाले हिंदुआ कढ़ांगे क्यों के प्यारा पाकिस्तान है साडा, साडे वड्डियां ने बड़ियां कुर्बानियां हासिल कीता है। सीने दे विच बलबा वजियां कलम होए सिर कलमा कटियां, इज्जत दी टहनी ते इधरा बानो सलमा टुटियां, ता जाके मौका बनिया पाकिस्तान को सौखा बनिया। पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, बड़ा साबर मुल्क है, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰੇ ਅਧੀਮੇ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਮਰ ਗਏ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਚ ਕੋਇਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਸੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਨੀ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਡਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। साइबल फंक्शन करन गए ते हॉल पैक सी, पहला अंदर गाया ते कल्ला बंदा रह गया, गाई जा रहे ने गाई जा रहे, उन्होंने कहंदा मैं मजा आ रहा, कहंदा नहीं बाहर निकल मैं कुंडी लान तो बैठा। नहीं बड़ी इज्जत है माशाल्लाह आपकी। हां क्या बात, क्या बात है, ठीक कह रहे जी प्रवीण खट्टी साहब। क्यों सायरा जी कैसा लग रहा है शुगल मुगल? बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हमारे मुल्क का सारा प्रोग्राम आप देखती हैं? जी जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखती हूँ। और माशाल्लाह जितने भी हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं इन्होंने स्पेशली आउट ऑफ कंट्री में जो जगह बनाई है, अपने शहर में तो हर कुछ शेयर होता है। मैं क्योंकि ज्यादा मैं जितना भी मैं टूर्स करती हूँ ज्यादा आउट ऑफ कंट्री होते हैं शोज वगैरह, और हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने इस टाइम कॉमेडियंस की जो वर्थ है और जो वैल्यू है माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा फायरा ने बहुत बड़ी बात की है, वाकई जो कॉमेडी हमारे पाकिस्तान में है वो कहीं पे भी कहीं नहीं, वो कहीं ऐसा एक एक कॉमेडियन हुआ है जी जो एक सदी का नाम हुआ है, अमानुल्लाह साहब, बाबू बराल साहब, अल्लाह जनन सिंह, फिर मस्ताना साहब, फिर सोहेल अहमद साहब, फिर और आज इतने नाम लिए हैं, सॉरी मैंने आपको कट कर दिया, जितने भी आपने ये लेजेंड जो नाम लिए, मैं चाहती हूँ कि आज ईद के तीसरे रोज
हम उन सबको जो है वो याद करें क्लैप की शक्ल में। और सबसे बड़ा मतलब जो पाकिस्तान में कॉमेडी की बुनियाद रखने वाले मुनव्वर शरीफ, क्या बात उनके लिए, ये हिस्ट्रियां है, एक एक हिस्ट्री, एक एक यूनिवर्सिटी हुई है। नजर साहब, नजर नहीं सही, नहीं तू नजर इस्लाम का बेटा है, तुम अपने टेस्ट कराओ, थोड़ा गोडा सिर चो निकलन ने बात सारे बदतमी भी कर रहे हैं। मैं उदन भी तुम कही प्रोग्राम में मैं ही नजर आना तुम शोका जी, आज ईद का दिन है, आज तीसरा दिन है, आज आपने लड़ना ही है, मैं आज का दिन हंस के गुजार ले, आज तेरे जुतियां भी बजन तो समझी पापी दे सरकार। मैं तब से बड़ा खुश हूं साहब, क्यों एडे एडे प्यारे सिंगर सदन पे आओ, आज तीसरा दिन है, तेरे दिन भी एडे एडे प्यारे सिंगर, ए प्यारे ने बबर शे चल चढ़ जाता, सा प्रोग्राम होर अच्छा हो जाता जो योजे लोग आने। अच्छा एक बात बताएं, हर सिंगर की दफा आप ऐसे ही कहते हैं, क्यों? इसलिए कहने की अंदरों साफ होते हैं माशाल्लाह। सायरा जी गल कर माइंड तो नहीं करोगे, सॉरी जुत्ती का डिजाइन है या गिटिया से पट्टी की? ये फैशन है बादशाह सलामत, फैशन है। बाहर निकले अभी तो दरबार के अंदर ही रही, आज पूरा पाकिस्तान की खुशियां मना रहे हैं, मना रहे हैं किमें किमें ईद मनाई होनी है। तुम भी बोल के 5 लाख का नुकसान होया तेरा। चले जी जरा ख्याल करें कि सबने कैसे कैसे ईद मनाई हो। सब तो अच्छी ईद जरदारी साहब ने मनाई होनी है, उन्होंने शुक्र किया कि नैब के दफ्तर बंद ने तब्दीली आ गई है, सरदारी चंगा लगन लग पे इंसाफ का वही हिसाब है, आलू बुखारे च आलू नहीं हुंदा, चप्पल कबाब दे विच चप्पल नहीं हुंदा, ते तहरीके इंसाफ च इंसाफ कोई नहीं। साहब कोई ऐसा बबर शेर आए जो पाकिस्तान को बचा ले, सारे ही खानदान ने फिर बचन दे, दुआ करो वैसे ही चंगा। और वेखो कि 950 रुपए किलो छोटा गोश्त, मेरी बुढ़िया भी ले लो 5 किलो, मैं अपना बच्चा बेच के ले लो। आपको गलत फहमी हुई है, आप रेट कम बता रहे हैं, असल पुराना वेला कर नहीं, साडे पिंडां च रेट कर देंदे ना जी, शहर जान के बाद बेचते नहीं। गोश्त की बातें छोड़े, मेकअप कितना महंगा हो गया। हाँ तुम तो मेकअप की पई है, रोटी लोग तरसन सुर्खियां सदके जावा, दमे वाली बकरी है ब्याह ती जे मेरे नाल, मैंने दसो। अच्छा घड़ी मुड़ी मेरे प्यो की नजर मेरे ते ही पैंदी। अच्छा बच्चों तुम पता है जो ठेकेदार सड़क बनाने वाले ने वो हड़ताल कर रहे हैं कल तो, क्यों? अच्छा हाँ जी, बड़ी बड़ी हड़ताल। अच्छा क्यों? वो कहते जी इन्हें यूटर असि रोड के बनाए नहीं जिन्हें हुकूमत लैन रही। शेर एक कहांगा जी नाम ही क्या है तो सानू की फर्क पैना। वो दिन शेर आता तेन चवला साह पता नहीं कि बहुत अच्छी गल सुटन वाली नहीं बादशाह मेरी, तेन एक सुटन वाली। अच्छा बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है कि आज भी जरा म्यूजिक हमारे पास सायरा जी हैं तो फिर एक गाना तो हो जाएगा। अपने घर दावत से बदलाना सिर्फ ये डाले मेरी बुढ़ी ना कह दू गाना हो जाए आज। तो इसमें कौन सी बुरी बात है, मैंने कौन सा बात आना है। सच्ची सच्ची। अच्छा बाद साहब ऐसी आदत पई है बच्चे पैसे मंगे ना को तो बोला की मेरे उसे टाइम पापा 100 रुपए दे दे, नहीं यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे। ऐसी आदत पड़ी है पाठ साहब ने गाने की, पहुंच कितने गए ने उसे दुआ करके कहते ने चलो हम गाना पर। तो क्या ख्याल है सायरा जी? वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम शुगर मुगल, और आज ईद का तीसरा दिन, मजे का दिन, जब सुबह ऑफिस के लिए उठना है, और सिर्फ ऑफिस जाने वाले ही नहीं जो अपने कारोबारी हजरात हैं वो भी अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इतनी लंबी छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी, और छुट्टी के बाद अभी अभी मैं सोच रहा था कि ये सियासतदान किस तरह ईद मनाते होंगे। वाह वाह वाह, चौधरी शुजा साहब ऐसे इतने भी भुखे रह गए, क्यों? वो घर लिया ने अगे सेवियां रखी तो मिट्टी पाती।
हर गल मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाती है। लो जी सियासत फरूक सतार साहब की भी ईद कोई अच्छी नहीं गुजरी, कद के हिसाब से छोटे ने ना, उन्हें ईद दी किसी ने नहीं, सब को मंगते रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐतकी हलवा खादा नहीं, सूंघते ही रहे कि किसी ने कुछ पा नहीं दिता। ऐसी तो नहीं है सौ एक बंद ने चप्पी गाई नहीं है, सब ईद मुबारक कहते रहते मेरे अगे केस पे है। जेल शेर लिख रहा उन्होंने, अतर की शीशी पत्थर पे तोड़ दू, मेरे लिए आवाम ना निकली तो जेल आना ही छोड़ दूंगा। तुम पता मर साहब जिन्हें भी सियासतदान होंगे सारे सिंगर होंगे ने। अच्छा जी, गाँव सारे जानते हैं। तुम लिखे नहीं असेंबली च, एक बंदा गल कर रहा बाकी सारे डेस्क में जा रहे। अच्छा शेख रशीद साहब ने ईद किवें मनाई होनी, किस तरह मनाई होगी? कोई कम नहीं गा, ईद वाले दिन भी यही कह रहे हैं यार नूली काले चोर ने फराटिए ने खा, तू ईद मना उन्होंने पिछा ले चट। असा उमर साहब ने तो बिल्कुल ईद मनाई नहीं, जरा सस्पेंड होड़ी ईद होंगी। और तुम पता शेख रशीद साहब ने इस चीज से सेवियां नहीं खादी, जिम्मे गल कर ये खा लिया वो खा लिया, उन्होंने बिल्कुल नहीं सेवियां खादिया। वो कहते जी खान साहब का फोन आया था कि जब हम धरना देंगे ना तो फिर इकट्ठे खाएंगे। इमरान खान साहब ने ईद पढ़ के घरों दुआवा कराइया ने पीर को, दुआ करो मैं पांच साल कढ जा। सायरा जी महंगाई बहुत हो गई है, लोगों का बड़ा ईद पे भी लोगों पे असर पड़ा होगा यकीनन महंगाई का भी, तो आप क्या कहती हैं कि महंगाई हुई है या नहीं? नहीं बिल्कुल हुई है, हम भी लोगों का हिस्सा हैं और महंगाई हमें भी वो जो है वो डिस्टर्ब हमें भी किया उसने, मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस पे उम्मीदें लगाई थी तोड़ तो कभी भी कोई चढ़ा नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए था, जिन लोगों का वो लेके आए थे एम कि भी मैं गरीबों का ये करूंगा, चलो मिनिमम मैक्सिमम ऊपर के जो तबका लोग हैं उनका भी वो सोचें, लेकिन नीचे का जरूर सोचें। हम लोग तो मतलब गोश्त खा लेते हैं या सवैया खा लेते, जो दिल चाहता है हम लोग खा लेते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान किसका सोचते हैं? अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया कि क्या सोचते ही नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि वो सोच रहे हैं। नहीं नहीं वो कुछ उनके जो पीछे टीम है वो बस अपना सोच रही है। क्यों ऐसा किया, मैं पाकिस्तान जो गुर्बत खत्म कर दूंगा, गुरबत छो तो गरीब ही नहीं रहने देगा। बिल्कुल ऐसे ही हालात हो गए हैं, लगता है कोई भी नहीं बचेगा। नहीं गलत बात है, देखिए मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की बड़ी देन है, क्या इमरान खान साहब गरीबों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। कैसे? लेकिन मौत का। अच्छा मैं हम कोई गड्डी या मोटरसाइकिल पेट्रोल नहीं पवाएगा, लैटर खड़ के ना कहना पाएंगे तेरी पटियाला का पाल। इतनी महंगाई हो गई है, इसे तो दादा लालो की नहीं महंगाई। और तुम भी गल करो, ये दोवे भरा ने वड्डा बुखार ते छोटा बुखार। और मेरे नाल ताए दा मुंडा काली खांसी नाल ताया भी बैठा है वड्डा खसरा। मैं भाई साहब ने याद आया है जी, हर पासे रंगा रंगी सी खुश हर कोई बेली संगी सी, हम तो लोग आखन लग पे ने कि पिछली हुकूमत चंगी सी। इमरान खान साहब के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो उम्मीदें हमने लगाई थी स्पेशली क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिस्टों ने उनके साथ परफॉर्म भी किया, उनके लिए गाने गाए, उनके लिए तहरीकें चलाई, लेकिन मुझे अफसोस है कि उन्हें हमें बहुत मायूस किया, उनके आने से हमें बहुत ज्यादा मायूसी हुई क्योंकि हम बहुत होपफुल थे कि वो आएंगे कैसी तब्दीली लेके आएंगे जिससे वाकई नया पाकिस्तान जो है वो बनेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने वादे तो पूरे किए हैं, उन्होंने कहा कि मैं डॉलर जो है 45-50 पे ले आऊंगा, तो माशाल्लाह 145-50 हो गया, सिर्फ 100 ही लगा है साथ। पेट्रोल उन्होंने कहा 25-30 का मिलना चाहिए तो 125-30। वो कुछ बजट बना रहे हैं, वो नीचे तबके का नहीं सोच रहे, मुझे लग रहा है। देखिए हर बंदे की एक अपनी 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 एक ओपिनियन होती है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से महंगाई को बढ़ाया गया है एक से दम, देखिए कभी भी कोई चीज
मुल्क में जब ऊपर जाती है तो कभी भी वो नीचे नहीं आती, हमने नहीं देखा, ऊपर ही जाएगी जितना कम से कम हमने नहीं देखा। बिल्कुल, जो चीज ऊपर चली गई अब 115 रुपए पेट्रोल ऐसा है, इस बात की समझ नहीं आती महंगाई ऊपर जाती है, सियासतदान ऊपर क्यों नहीं जाती। सायरा जी ज्यादा ना सोचो, इतने दुखी ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पे तो उम्मीदें हैं, अल्लाह भी तो ऊपर है, रहमत करेगा। सब ने मायूस की है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। ये मॉडर्न कुड़ियां ऐसे दो खेती सुर्खी अख चलाई जानी है, ये वोट क्यों दिया मैंने, क्यों वोट दिया इसको हजे तक पिनियां दर्द कर रही है। लेकिन मेरी बात सुने, इमरान खान साहब ने ये तो कहा है कि जी हो जाएगा, सबर करें, तो अब आप लोग सबर करें। नहीं बट सब सबर मतलब गरीब तो मर जाएगा, सबर क्या करेगा, पहले दाल खाता था वो दाल भी नहीं खा सकता, सबर महंगी हो गई। कदे देखना होता है, ये तो 8 महीने ही तो सारे हो गए, आवे को की हाल होने लग पे। नहीं नहीं असल में बात क्या है, मेरी बात सुनो, जरूरी ऐसा नहीं है कि सब ऊपर वाले तबका हमें देख रहा है। ये जो आपका प्रोग्राम है शुगल मुगल, इसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको लंदन में भी देखा है, क्योंकि बाहर के ममालिक में भी आप जाते हैं माशाल्लाह देखते हैं कि वहां ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स को जो प्रमोट करते हैं। तो आपका आप यानी इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं पूरी दुनिया में जहां जहां ये प्रोग्राम देखा जा रहा है और शुगल मुगल और उसकी पूरी टीम को की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब को सिर्फ इतना पैगाम दे रही हूँ कि देखें जरूर जो ऊपर वाला तबका है वो तो आपको नजर आ ही रहा है कि उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा। चले सपोज एक बात ये ठीक भी है, लेकिन जो बहुत नीचे तबका है, जो लोग 8-8, 10-10 बच्चे हैं जिन लोगों के, और उनके उन्होंने खाना बनाना या जो भी करना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं इस टाइम। मैं सोचती हूँ क्योंकि अमीर के दिन सब हैप्पी हैं, हम अच्छे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन जो बहुत नीचे तबका है शायद छोटे से टीवी लगा के वो भी हमें देख रहे हो और वो सोच रहे कि यार हमारी बात किसी ने नहीं की। तो मैं उन सब के लिए बात करना चाहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी सून हम एक अपनी जो है वो एनजीओ में अपनी लॉन्च कर रही हूँ अपने, हाँ जी इंशाल्लाह। और तकरीबन 16 साल मैंने अमेरिका में काम किया और जिन एनजीओ के साथ डॉक्टर एसोसिएशन है बहुत बड़ी, और उसी के तवज्जो से मैं अब यहाँ एजुकेशन के लिए और जितनी भी गरीब बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हो सकती या जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हासिल कर सकते बच्चे, जो बीमार हैं, जो इलाज नहीं करवा सकते, इंशाल्लाह अपने रब के कर्म से, परवरदिगार के कर्म से यही टीम इंशाल्लाह हमारे साथ होगी। पूरी पाकिस्तान की जितनी भी टीम, हम सपोर्ट करेंगे अपने जितने भी छोटे बहन भाई, मैं कहूंगी जो छोटे तबके वाले लोग हैं उनके लिए हम जरूर कुछ। सारा जी सीरियस गल्लां बहुत हो गई है, ये दसो कभी गाना गाँदिया कड़ल पे नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं। 16 साल अमरीका रहे? जी जी 16 साल है। पता भी नहीं पता नहीं कितने रहे। अच्छा बड़ी कामयाब नहीं शकल है अपना भी मेरे मामा की लगता निकी गति की हैंड ब्रेक 16 मुद्दा जितों लगते रोले ही पै जाते सीधा एक दूजे वाली देखना क्यों इंज लगना जिम्मे जंगी जात बजा तेन छिले जी शेप आ गई है। मेरा ख्याल है जितना दुख सायरा जी ने बता दिया ना अब तो गाना बनता है। तो सायरा जी एक गाना सुनाए ताकि माहौल थोड़ा खुश हो। जरूर क्यों। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम शुगल मुगल और सायरा जी का खूबसूरत गाना सुना। क्या बात है, आज तो आपने वाकई बता दिया कि आज ईद है, मजा आ गया। अच्छा मुझे इन्होंने गाना सुनाया ना, नाल सलाद होती तो इतना मजा आना। ये देखिए ना आपने गाना गाया, सब कितने हैप्पी हुए हैं, नाचे हैं, गाए हैं। अच्छा ईद का फेस्टिवल ही इसलिए कि खुशियां मनाए, मतलब जिंदगी में इतने गम है जितने अब सायरा जी ने गम बता दिए हैं। गम नहीं, ये तो एक हकीकत है, इसे हम वो कहते हैं ये हकीकत है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा वैसे हमेशा से मतलब सुनते आ रहे हैं जी महंगाई महंगाई, और महंगाई बढ़ती चली जा रही, मतलब एक आता है वो कहता है जी महंगाई, दूसरा आया तो उसने भी कहा महंगाई, तीसरा आया उसने भी कहा महंगाई, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई साहब मैं ये कहता हूँ महंगाई उतर जाए। बस साहब आप लोग इमरान खान साहब का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते,
उनका बड़ा एहसान है पाकिस्तानी कौम पे कि ये सारे पाकिस्तानी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाने वाले हैं। आपको पता है? अच्छा, कैसे? क्योंकि जितना सबर शुक्र इस हुकूमत में हो रहा है साबर शाकर दोनों जन्नत में। मैं सच्ची मुझे गल जी ना भाई साहब, एक फकीर आया जी अल्लाह के नाम आ उन्होंने 10 रुपए दिते गड्डी च बैठे, कहिंदा जी मैनू 10 रुपए दे दे रोवो गड्डी नू 10 रुपए ना की बनता है। मैं कहा भाई 10 हो लेना यार, चुक भी ये मेरे इन्ने बच्चे मैं कितों पा लांगा। मैं कहा बाबा जी साडा भी तरीक है, वो बादशाह महंगाई इन्नी तरीक हो गई इन्नी होगी तो 10 बेहतर इलाज से ना तुम गड्डी दे के झोला पा लांगा। छोटी सी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वाकया है, एक गांव में यानी के मुर्दे को दफनाते थे और एक चोर जो था वहां पर आता था, और यानी जिस दिन दफनाते थे उसको वो रात को आता था और वो मुर्दे को यानी मट्टी खोद के निकाल के उसका कफन नया जो था वो चोरी करता था, उसको दफना के तो चला जाता था। खैर वो जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि पकड़ो भी, मल्ले वालों को भी पता चला कि पकड़ो भी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया चोर को। आपको 2-4 महीने सुकून रहा उसके बाद मुर्दे के कफन उतरे पता लगे मुर्दे। अच्छा, 2-4 महीने वो जो सुकून रहा, उसके बाद फिर एक नया चोर आया। जैसे ही वो लोग मुर्दे को दफनाते थे और वो जाता था और वो जाके कब्र की मिट्टी शिट्टी खोद के और बीच में से मुर्दा निकाल के मुर्दे को बाहर ही नंगा जो है वो छोड़ देता था, कफन ले जाता था। जिन्होंने पकड़ा उन्होंने कहा यार ये नानो तो वही चंगा सी, तो चलो मुर्दा विच पा तो जांदा सी, दफन तो कर जांदा सी। क्या मिसाल दी है, वाह वाह वाह। सोना है तू भी कोई होश कर, की होए कॉमे च चला गया की गल। अच्छा, जिन्नी महंगाई हो गई ना हुण कफन वाली गल जिहड़ी है ना भाव साडा दलील किया पड़ता मंगने वाले सड़क से खलो के मंग रहे हैं, तेन शर्म नहीं आती है सड़क से खलो के मंगन दिया, कहना हम तेरे 10 रुपए की खातर मैं दफ्तर खोल लवा। सारा जी, अब आपकी कोई पर्सनल जिंदगी के बारे में सवाल करते हैं कि कैसे गाना कैसे शुरू किया, क्या सोचा था? मैं एक ट्रेजेडी की वजह से आई थी, लाइफ जो है वो टर्न लिया था लाइफ ने। ट्रेजेडी हो तो बंदा हिट हो जाए है। एक्सीडेंट हो ये मेरे साथ भी ट्रेजेडी हुई है जो मेरी शादी आपके साथ हुई है। अपने अपने रोने रो रहे हैं सब लोग। अच्छा, तो उसकी वजह से यानी मैं ट्रेजेडी की वजह से आई, एक हैपन हुआ लाइफ में और बस टर्न लिया लाइफ का और स्ट्रगल की, मेहनत की और अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी दे दी परवरदिगार ने, बस यही हुआ है। किस तरह का गाना गाना अच्छा लगता है, पॉप रॉक? मैं सब तरह का गा सकती हूँ, मतलब फोक भी गाती हूँ, रॉक भी गाती हूँ, क्लासिकल भी गाती हूँ, गजल भी गाती हूँ, ठुमरी भी गाती हूँ। सीखा किसी से? वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब से अरशद हुसैन जो है उन्हीं से सीखा, और उन्हीं का वो जो कहते हैं वो दरख्त तो वो थे, हम तो जड़े हैं पत्ते हैं और अल्लाह का शुक्र है काम माशाल्लाह। पहला असं बोर्ड दिया जड़ा वेखनिया जीव जी जड़ा चिडिया सोनिया माशाल्लाह बाजी वाह कि जड़ी जी पिपल दी सुरखी घट नहीं लाई जड़ ने किन्ना कज्जल पाए है। अच्छा, वैसे और नहीं समझ नहीं आती तैयार होने पाल नहीं। आपने वैसे महारानी कमाल चुनी है, मैं महारानी जी के लिए क्लैप करना चाहूंगी, बहुत क्यूट है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत ना हो इसलिए इनसे शादी। और मैं एक बात बता दूं, मेरी बाजी झूठ बहुत बोलती है। तुमको वैसे ही जल जल कर तुम्हारे बाल खड़े हो गए। अच्छा, वो बात हो रही थी लेडीज की, इन्होंने भी बात समझ नहीं आती पालर जाने के लिए तैयार होने तो पालर जाने भी तैयार होने। इसका तो मुझे वो हाल लग रहा है, इसका तो मुझे वो हाल लग रहा है कि इनसे पूछ रहा है कि अब्बा जी मैं दसो फारसी च बीवी नू की कहिदा। इन्होंने अगो कहा कि बेटा ना फारसी च ना उर्दू च बीवी नू किसी जबान च भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ा
नुकसान होया जी? बड़ा लग रहा है, नजर आ रही है, नजर ही आ रही है। लख रुपए का नुकसान हो माचिस लिए चुतीलियां घट निकल तो बोरी चुकना तो यह किरनी निकलती है थले किन्ने खुश हो जनाब मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ने इज्जत ही नहीं दी थी, लाल बाजी दी थी। रोई साढ़े सारे तो अच्छी ईद गुजरी होगी बाजी लाल। हम लोग समान बाजी नहीं लिया ने खाना है। क्या हो रहा है मुस्तकबिल में सायरा जी, क्या नया कुछ कर रही हैं आप? मैं क्या हो रहा है इंशाल्लाह टूर क्योंकि लेके जाते हैं यूके यूरोप वगैरह, और अभी जापान में 14 अगस्त को इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। अभी भी जापान गई हुई थी टोक्यो। वहाँ भी ऐसे ही हमारे अपनी पाकिस्तानी है कम्युनिटी है जो हमें बुलाती है, सुनती है और हमें बड़ी रिस्पेक्ट देती है। तो योकोहामा योशाई और जापानिया के मुंह तो तुम इंज ही लगते हैं जी, मैं टींडे से पैर आए वो सारे सुने सुने लगते हैं धुपे में आदमी खड़े हैं। रोटी खा कहते चुप कर जा बकरी के वीजे से आया। और सब तो मजेदार गल चाइना तो जापान वाले ने अपने बच्चे का ना रखना है ना तो वेड़े च ना स्टील की प्लेट सुट देने जो आखिरी फैक्ट होंगे ना टिन टॉन ना। नहीं बस वो टूर किया हमने, गए थे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने, और इंशाल्लाह अगस्त में फिर जा रहे हैं और अपनी एनजीओ जो मैंने आपको बताया उसी के ऊपर फोकस है अभी और उसके ऊपर ही सारा। चले जी सायरा जी, अल्लाह मियां आपको बहुत सारी खुशियां दे और नाम हो। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज ईद हमारे साथ मनाई और आज बड़ा ही मजा आया। और नाजरीन ईद का आज तीसरा दिन भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, अब सुबह उठने की तैयारी कीजिए क्योंकि सुबह आपने अपने अपने ऑफिस में जाना है, अपनी अपनी दुकानें खोलनी है और जो सारे काम करने हैं। बहुत सारे लोगों ने 100 के भी गुजारी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्ट पे कुछ कहना चाहती हूँ ऑनेस्ट होके कि आप लोगों को तो क्योंकि आप रोज प्रोग्राम करते हैं बट मेरा फर्स्ट टाइम है आप लोगों के साथ। शायद मैंने जिंदगी में इतना एंजॉय किया हो किसी प्रोग्राम को, मैंने आपके प्रोग्राम को आपकी पूरी टीम को बहुत एंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी विश है कि मैं फिर से आप लोगों में आऊं बैठूं और एंजॉय करके आपकी पूरी टीम को मैं बहुत सारे। और नाजरीन बिल्कुल उसी तरह जैसे हम हमेशा से अपना शो खत्म करते हैं यानी कि एक प्यारे से गाने के साथ, और गाना सुनते हैं सायरा जी का मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से।